जी अभी इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ भिंडी। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बनाने वाले हैं भिंडी, माय मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल। अगर ये वेजिटेबल हमारे हमसाये में बनी हो तो मैं उनके घर लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। इसको अभी बनाने वाले हैं आज, देख सकते हैं जी। पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, इसको धोकर दो में रख देते हैं, उसके बाद वन बाय वन किसी सॉफ्ट क्लोथ से क्लीन करके उसके बाद बनाते हैं। और ये भिंडी हमारे घर में फ्रेश आती है, हमारे अपने खेतों में से ये भिंडी आती है। तो अभी जो है वो मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूंगा। सबस मिर्च इसके साथ दो हाथ बाद में करेंगे। ये भी आप देख सकते हैं भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये सारा कुछ रेडी हो चुका है। तो अभी जो है वो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऑयल जो है ना वो थोड़ी उसकी डेंजरस जो आवाज़ें आ रही हैं वो कम हो जाएं, ताकि जब मैं इसमें डालूँ तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है जी, अब मैं इसको निकालना स्टार्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है। अब इसको बस निकालेंगे और इसमें को जो है डूबने देंगे, यहाँ तो डूबने देंगे प्याज को, यहाँ डुबा देंगे, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ज़रूर। अभी इतनी पहले जिस दिन लेकर आया था उस दिन तो बहुत ही फ्रेश थी, अगर इसको ज़्यादा और इतना फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा प्याज मैंने जल्दी जल्दी से एक और काटा है, और प्याज भी मेरे पास दो तरह के प्याज हो गए हैं। एक प्याज जो है वो थोड़ा सा गीला है, एक प्याज जो है वो खुश प्याज है। प्याज वैसे भी भिंडी में और करेलों में प्याज ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अगर तो आपने करेले में बनाने हैं प्याज वाले करेले तो फिर तो उसमें ज़्यादा, और अगर आपने चिकन डालना तो फिर ज़रा थोड़ी कम भी अगर डाल लेंगे तो कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो चलेगा। अभी आप देख सकते हैं जी प्याज भी बिल्कुल जो है वो ज़बरदस्त किस्म के जो है वो हो रहे हैं। अभी इसमें जो है वो मैं थोड़ी देर बाद जो है वो टमाटर भी डाल दूँगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल प्याज को ब्राउन नहीं करना होता। बस साथ साथ जो है ना वो अभी इसमें टमाटर डालूंगा, और अभी इसके ऊपर एक जो सब्ज़ मिर्च है उसकी एक लेयर जाएगी। सब्ज़ मिर्च ज़्यादा ही भिंडी में अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं लकड़ी का जो है वो लेकर आऊँगा खिलाने के लिए, लेकिन नहीं लेकर आता, अदरवाइज़ मेरा केटल ख़राब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जी, अभी मैं आ गया हूँ अपने बेड के ऊपर, क्योंकि नीचे फिर ज़्यादा देर नहीं बैठते, थक जाते हैं, ड्यूटी भी की। और अभी इसके अंदर मैं जो है मसाला बिल्कुल तैयार हो गया, बस 2-3 मिनट के अंदर इसमें भिंडी डाल दूंगा। कह रहा हूँ टमाटर जो है ना वो सब्ज़ मिर्च जो है वो भी अपना कलर निकाल ले। जी अभी इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ भिंडी, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम है, ना होने के बराबर ही है। मुझे एक्चुअली इसका जो है ना वो एक बंदे ने कितनी चीज़ खा लेनी है फिर भी, लेकिन ठीक है, मैंने ये जो है वो एक पाव ली थी, आधा किलो फिर ज़्यादा ही हो जाती, फिर इतने टाइम खाई भी नहीं सब चीज़। मेरी कोशिश होती कि चीज़ वो ही लूँ जो मैं नहीं जी आज के व्लॉग का करते हैं अख्तिताम, मिलते हैं डिनर के ऊपर। हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज खाने वाले हैं भिंडी, बहुत ज़बरदस्त बनी है, आप सब लोगों के सामने ही खाएंगे, वो ही ले आए हैं, तो पहला नवाला सब शुक्र करके, बहुत ज़बरदस्त बनी है, मज़ा आ गया जी।